हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉम्प्लिकेटेड स्पोर्ट्स चैनल में। तो आपका भाई आपके लिए लेके आ गया है वीडियो ताकि आपकी हो सके कुछ मदद। अगर आप ये मुकाबला खेलेंगे पर्थ स्कॉर्चर्स वर्सेस ब्रिस्बेन हीट वोमेन की, जो कि वीवेन बिग बेस लीग 2018 में खेला जा रहा है, और तो आपके लिए जो है कुछ खास बात इस वीडियो में लेके आया हूँ, जैसे कि कुछ जानेंगे टीम न्यूज़ दोनों ही टीमों की तरफ से, और जानेंगे क्या होंगी दोनों ही टीमों की संभावित प्लेइंग 11, और बनाएंगे अपनी ड्रीम 11 की एक बेस्ट टीम। तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखें, और अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने भाई को सपोर्ट करें, इस चैनल को आगे तक ले जाने में मदद करें। तो आपको बता दें, पर्थ स्कॉर्चर्स वर्सेज ब्रिस्बेन हीट वोमेन का जो है मुकाबला है नॉर्थ सिडनी ओवल सिडनी में खेला जाएगा, और मैच की अगर कोई डिटेल्स आप देखना चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं। टाइम और डेट सभी चीज़ यहाँ पे मैंने लिख दिया है। और आपको बता लेते हैं दोनों ही टीमों की तरफ से जो टीम न्यूज आई है, तो आपको बता दें कि पर्थ स्कॉर्चर्स की तरफ से जो एक जो है स्क्वाड जो है अनाउंस की गई है इस मुकाबले के लिए। और आपको बता देते हैं मैक लैनिंग जो पिछला मुकाबला नहीं खेली थी तो ये मुकाबला आपको खेलते हुए नज़र आ जाएंगी, काफ़ी हाई चांसेस है और काफ़ी अच्छी बैट्समैन है ऑस्ट्रेलिया वोमेन की, तो आपको ये मुकाबला खेलते हुए नज़र आ जाएंगी, तो आपके लिए अच्छी पिक हो सकती है। वहीं ब्रिस्बेन हीट ने भी 13 मेंबर की एक स्क्वाड जो है अनाउंस की है जो इस मुकाबले के लिए। और आपको बता दें विकेट कीपर जो है जोसी डूडी जो रिटर्न आ गई है, फिंगर में जो इनके चोट लगी थी उनके बाद ये रिटर्न आ गए, तो ये आपको खेलते हुए नज़र आ जाएंगी। और ऑलराउंडर चार्ली कोट हट सकती है उनके जगह से, तो आपको जोसी डोली खेलते नज़र आ जाएंगे, तो चार्ली कोट हट सकती है इस मुकाबले से, बाहर हो सकती है। तो देख लेते हैं दोनों ही टीमों की तरफ से जो प्लेइंग 11 रहने वाली है क्या रहने वाली है इस मुकाबले के लिए। बात कर लेते हैं पर्थ स्कॉर्चर्स वोमेंस की, आपको विकेट कीपिंग एमी जोन्स करते हुए नज़र आ जाएंगे। वहीं बैटिंग सेक्शन की बात कर लेते हैं, मैक लैनिंग, एलिसा विलानी, ल्यूरा एब्सरी और चोले पाइपरियो, और ऑलराउंडर से निकोले बोल्टन, हैदर गैरम और बैबी डेवेंचंद। और बॉलिंग सेक्शन में आपको कैटेक्रोस, इमा किंग और हेलिया वेरना ब्रैनन और टेनाले पेस्चल आपको खेलते हुए नज़र आ जाएंगे। तो ये प्लेइंग 11 हो सकती है पर्थ स्कॉर्चर्स की तरफ से। वहीं आपको बता देते हैं ब्रिस्बेन हीट वोमेन की तरफ से, आपको विथ मूनी खेलते हुए नज़र आ जाएंगे। बैटिंग सेक्शन में लुला वालवडोर, सुने लॉस, केवरिसोट, ल्यूरा हैरिस, ऑलराउंडर सेक्शन में जेस जॉनसन, सेमी जे ओ जॉनसन और गैरेस हैरिस खेलते हुए नज़र आ जाएंगे। वहीं बॉलिंग सेक्शन में दिलसा कैम्प से, जेम एबर्सी और हैडी बेकट आपको खेलते हुए नज़र आ जाएंगे। तो ये दोनों ही टीमों की तरफ से प्लेइंग 11 हो सकती है इस मुकाबले के लिए। 99% यही चांस रहेंगे, यही प्लेयर आपको खेलते हुए नज़र आ जाएंगे। हालांकि लास्ट समय पर कोई एक परसेंट ना हुई तो यही प्लेयर खेलते हुए आपको नज़र आ जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्या हमारी ड्रीम 11 की टीम रहने वाली है इस मुकाबले के लिए। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों क्या हमारी टीम रहने वाली है पर्थ स्कॉर्चर्स वोमेन्स वर्सेज ब्रिस्बेन हीट वोमेन के इस मुकाबले के लिए। बात करेंगे सबसे पहले यहाँ विकेट कीपिंग सेक्शन की, तो आपके पास दो ही ऑप्शन है। आपको बताते हैं एली स्मिथ ये मुकाबला नहीं खेलेंगी, तो आपके पास दो ऑप्शन हो जाते हैं, जो कि बेथ मूनी आपको खेलते हुए नज़र आ जाएंगी और एमी जोन्स, ये दोनों आपको खेलते नज़र आ जाएंगी। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप किन के साथ जाना चाहेंगे। वैसे दोनों ही काफ़ी अच्छी प्लेयर हैं, और बात कर लेते हैं बेथ मूनी आपको खेलते हुए नज़र आ जाएंगी और एमी जोन्स दोनों, तो आप देख लीजिए यहाँ से किन के साथ जाना चाहेंगे। यहाँ से मैंने बेथ मूनी को टीम में रख दिया है, और आप जाना चाहें तो बिल्कुल ही 100% इनको ट्राई कर सकते हैं। एमी जोन्स काफ़ी अच्छी प्लेयर है और अच्छी फॉर्म में भी है, तो आप बिल्कुल ही इनको ट्राई कर लीजिएगा। यहाँ से तो मैंने बेथ मूनी को ले लिया है, लेकिन आप एमी जोन्स को बिल्कुल ट्राई कर लीजिएगा। वहीं बैटिंग सेक्शन की बात की तो मैंने ड्रॉप कर दिया मैक लैनिंग को, ये आपको खेलते हुए नज़र आ जाएंगी आज के इस मुकाबले में। और यहाँ से मैंने लिया एलिसा विलानी, जो कि काफ़ी अच्छी प्लेयर और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। यहाँ से मैंने लिया है लूरा वालवडोट को और केवी शॉर्ट को। आपके पास ऑप्शन की बात करें तो काफ़ी ऑप्शन है, जैसे कि एबसरे आपको खेलते हुए नज़र आ जाएंगी, मुझे करना पड़ा इनको ड्रॉप, मैंने यहाँ पर इनको नहीं लिया है टीम में। और सुने लूस आपको खेलते हुए नज़र आ जाएंगी, तो इनको आप ट्राई कर लीजिएगा। तो मैक लैनिंग, सुने लूस और लूरे एवर्स और चोले पापड़ियो, इन तीनों में से किसी चारों में से किसी प्लेयर को आप बिल्कुल ट्राई कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे इन तीनों के साथ जा रहा हूँ, आप बिल्कुल भी इन तीनों के अलावा किसी और को ट्राई कर लीजिएगा। और वहीं बात कर लेते हैं निकले वाल्टन को मैंने यहाँ पे पिक किया है, जेस जॉनसन को मैंने पिक किया और हैदर गैरम को अपनी टीम में पिक किया।
कर लिया है। आप अगर जाना चाहते हो यहाँ पे ग्रेस हैरिस, आपके पास काफ़ी अच्छी ऑप्शन हो जाएंगी, और यहाँ पे जो जॉनसन भी काफ़ी अच्छे पिक हो जाएंगे। तो इनके अलावा मैं कोई एक ऑप्शन और है भाविसा देवचंद, ये एक, तो ये तीन ऑलराउंडर और आपके पास है जिनको आप ट्राई करना चाहते हो कर पाएंगे, लेकिन मेरे हिसाब से जो बेस्ट तीनों ऑलराउंडर थी उनको मैंने अपनी टीम में रख लिया है। तो आप देख लीजिए आपको किन ऑलराउंडर के साथ जाना है। यहाँ से मैंने बॉलिंग सेक्शन में ले लिया है दिलशा कैम्सन को जमीना बेवर से, दोनों ही काफ़ी अच्छी बॉलर है ब्रिस्बेन हिट वोमेन की। और यहाँ से मैंने लिया है काटे क्रेस को पर्थ स्क्रोचर्स की तरफ से और टेनाले पेस्टल को, दोनों अच्छे बॉलर हैं। तो यहाँ से दोनों ही टीमों की तरफ से दो दो बॉलर मैंने ले लिए हैं। तो आप देख लीजिए आपको किन के साथ जाना है, आप बिल्कुल एक दो चेंजेस करके जा सकते हो। तो देख लेते हैं यहाँ पे कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए क्या क्या चॉइस रहने वाली है। अगर आप सेफ जाना चाहें तो यहाँ से एलिसा विलानी के साथ जा सकते हैं, काफ़ी अच्छी पिक होंगी कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए एलिसा विलानी। और लूरा वॉर्ड भी काफ़ी अच्छी पिक हो जाएंगी, केवरी शॉर्ट भी खेलती है काफ़ी अच्छी, तो ये भी काफ़ी अच्छी पिक हो जाएंगी। तो आप यहाँ से देख सकते हैं वेदर गहरम जो है काफ़ी अच्छी पिक हो जाएंगे, क्योंकि पिछले मुकाबले में दो इन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया, आपको ये बल्ले और बॉल दोनों से ही कंट्रीब्यूट करके दे देंगे, तो ये भी काफ़ी अच्छी कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस हो जाएंगी। अगर आप यहाँ पे कॉम्बिनेशन की बात करें तो आप हैदर गहरम और एलिसा विलानी इस कॉम्बिनेशन के साथ जा सकते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए, ये काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा। और या फिर जाना चाहे तो यहाँ से इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ जा सकते हैं, और नहीं तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ जा सकते हैं बेथ मूनी और हैदर गहरम के साथ। और आप चाहे तो बेथ मूनी की जगह पे एम ए जोन्स को भी ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। तो हालांकि मैं ये फ़िलहाल ये रहने देता हूँ, अगर आप चेंजेस करना चाहे तो बिल्कुल एक दो चेंजेस करके जाए, तभी आपको फ़ायदा होगा और आप काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी आपकी टीम। तो यहाँ से देख लेते हैं विकेट कीपर में हमारी बेथ मूनी है, और बैट्समैन में एलिसा विलानी, लूरा बालबोट कैबी शॉट है, और ऑलराउंडर में हमारे पास है निकोले बल्टन है, हैदर गहरम है, जय जॉनसन है। बॉलिंग सेक्शन में हमारे पास दिलशा कैम्सन है, जेमी बर्सरी है, कटे क्रॉस है, और उनके बाद है तनाले पेशल है। तो ये हमारी टीम रहने वाली है इस मुकाबले के लिए। अगर आप जाना चाहें तो बिल्कुल एक दो चेंजेस करके जाइए तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा, और उम्मीद है इस मुकाबले में आप ज़रूर जीतेंगे। तो आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ अपने इस भाई के लिए एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।